दो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट जो हर किसी को पता है, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा फेमस है। एक तरफ है योनेक्स का GR303 और एक तरफ है ZR100। ये दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर किसी ने खरीद रखे होंगे या खरीदने की सोच रहा होगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो इन दोनों प्रोडक्टों को जानते हैं, चाहे वो बैडमिंटन प्लेयर हो या ना हो, बिगनर लेवल पे खेलता हो या फिर खेलता ही ना हो। अगर कोई भी रैकेट को खरीदने की सोच रहा है तो योनेक्स की ये दो रैकेट बहुत लोगों के दिमाग में आते हैं और बहुत लोग सोचते हैं कि इन दोनों रैकेट को खरीद लेना चाहिए। बट इन रैकेटों में एक कंफ्यूजन बनी हुई है कि इनमें से ये अच्छा है GR303 या ये अच्छा है ZR100। कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, दोनों में फर्क है या नहीं, या दोनों में कोई डिफरेंसेस है या दोनों सिमिलर रैकेट है, तो यही चीज तो पता करनी है। इस वीडियो में एक एक चीज उठाएंगे और देखेंगे कि दोनों में से रैकेटों में क्या फर्क है और क्या नहीं। जब भी हम दो बैडमिंटन रैकेट्स को देखते हैं तो सबसे पहली नजर उनके कवर में पड़ती है कि कवर किस क्वालिटी के दे रखे हैं कंपनी ने। तो ये है हमारे दो कवर, एक तरफ है GR303 का कवर और एक तरफ है ZR100 का कवर। अब दोनों में सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस क्या है, बेसिकली दोनों के दोनों फुल कवर है। बहुत ज्यादा पैडिंग वैडिंग तो प्रोवाइड नहीं कर रखी कंपनी ने, फ्रैंकली बताऊं तो अंदर कुछ खास पैडिंग नहीं है, मतलब कोई खास प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा रैकेट को। बट हाँ, एक बेनिफिट है कि दोनों में फुल कवर होने से यहाँ स्ट्रिप दे दी गई है, तो इसको आप टांग के आराम से कहीं भी ले जा सकते हो, किसी पार्क में, चाहे किसी एकेडमी में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, एक आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि आप आराम से टांग लोगे। अदरवाइज कई रैकेटों में हाफ छोटा सा कवर दे दिया होता है सिर्फ हेड को ढकने के लिए, तो उसको कोई काम का नहीं करता, तो थोड़ा सा तो यहाँ बेनिफिट दिया गया है। और ये है हमारे कमाल के दो रैकेट, एक तरफ है GR303, एक तरफ है ZR100। अच्छा, दोनों ही रैकेट बड़े कमाल के हैं, दोनों ही योनेक्स के हैं, दोनों ही रैकेट बहुत ही बेहतरीन है, मतलब कहीं ना कहीं दोनों रैकेटों में काफी सारी सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि दोनों में टी जॉइंट दे रखा है, यहाँ पे दोनों में एक जॉइंट लगा रखा है, मतलब ये जॉइंटलेस रैकेट दोनों के दोनों ही नहीं है, दोनों में जॉइंट एक्सटर्नल आता है। साथ में अगर दोनों के मटेरियल की बात करें तो दोनों एल्यूमिनियम और स्टील से बने हुए हैं, दोनों की शाफ्ट जो है वो स्टील से बनी हुई है और दोनों का जो फ्रेम है, जैसे कि ये एल्यूमिनियम बेस है, चाहे वो ZR100 हो चाहे वो GR303 हो। अगली चीज है, क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है, एल्यूमिनियम स्टील का दोनों में यूज किया गया, तो दोनों का वजन भी उस अकॉर्डिंगली सेम है, बिल्कुल के बिल्कुल, मतलब 95 से 100 ग्राम के बीच में दोनों का वजन आता है, तो वजन में भी कोई फर्क नहीं, ये भी एक सिमिलैरिटी हो गई है। दोनों की टेंशन लेवल की बात करें तो 17 से 15 इसके बीच में ही रहती है, मतलब 15 से 17 के बीच में दोनों की टेंशन लाया करती है, चाहे वो ZR100 हो चाहे वो GR303 हो। अब अगर हम इसकी शेप में नजर डालें, जैसे कि ये हेड शेप जो दोनों की दे रखी है, यहाँ पे GR303, यहाँ पे ZR100, जैसे कि GR303 में एक ओवल शेप यहाँ पे दी गई है, पूरी की पूरी शेप ओवल है और यहाँ पे पूरी की पूरी शेप आइसोमेट्रिक है, यहाँ लिखा भी है आइसोमेट्रिक साफ साफ, मतलब यहाँ पे हमें एक एडवांटेज मिल गया कि स्वीट स्पॉट आइसोमेट्रिक में बढ़ जाता है, जैसे कि हम सब लोगों को पता है, तो स्वीट स्पॉट बढ़ने की वजह से शॉट थोड़े इजीली हो जा लग जाते हैं, मतलब आराम से आप, तो स्पेस ज्यादा मिल जाती है तो शॉट थोड़े इजीली खेल पाते हैं, तो ये एक अपर हैंड हो जाता है आइसोमेट्रिक होने की वजह से। और एक फर्क और मैंने इन दोनों रैकेटों में देखा, एमआरपी टैग के नीचे, जस्ट एमआरपी टैग के ऊपर ही नीचे कंट्री ऑफ ओरिजिन दोनों में मेंशन है, GR303 में चाइना लिखा है और ZR100 में इंडिया लिखा है, तो ये भी हम एक फर्क में, काउंट डिफरेंस में काउंट कर सकते हैं, दोनों अलग अलग जगह रैकेट बने हैं तो डिफरेंस तो हम एक बना सकते हैं कि हाँ, ये इंडियन मेड रैकेट है ZR100 और ये चाइना मेड रैकेट है। तो अब इन दोनों में ये दो फर्क है कि एक तो आइसोमेट्रिक और ओवल और एक इंडिया चाइना, बाकी दोनों की MRPs अगर मैंने देखी तो दोनों में 750 रुपए की MRP है, कोई खास नहीं है, बिगनर रैकेट के लिए ठीक है। एक और जो चीज नोटिस करी मैंने वो है दोनों का मैट फिनिश, मतलब दोनों में से कोई भी मैट फिनिश नहीं है, दोनों के दोनों एक बेसिक से मतलब पेंट टाइप का लगा हुआ है, कोई मैट फिनिश लुक नहीं देता, कोई मैट फिनिश फील नहीं देता। बट हाँ, ZR100 के अंदर यहाँ पे कटिंग करके योनेक्स का लोगो जिस तरीके से लगाया ना, ये बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब यहाँ पे एक बेसिक सा योनेक्स का लोगो लगाया और यहाँ पे थोड़ी कटिंग करके जो दी है ना योनेक्स के लोगो की, ये मतलब लुक ही इनहेंस कर देता है, पूरा का पूरा बढ़ा देता है ZR100 का। अब चॉइस आपको बनानी है कि आपको कौन सा रैकेट लेना है और कौन सा नहीं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सा रैकेट मेरे हिसाब से बेहतर है, तो बेहतर और घटिया तो कुछ नहीं होता, दोनों रैकेट ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। बट हाँ, आइसोमेट्रिक ओवर एक तो स्टेप ऊपर ले ही जाएगा, मतलब आइसोमेट्रिक होने से एक लेवल तो ऊपर बढ़ ही जाएगा, तो यहाँ पे ये जीत जाता है कहीं ना कहीं, और इंडियन मेड रैकेट भी है तो हम कहीं कहीं ना कहीं चाइना के मुकाबले इंडिया ही लेना पसंद करेंगे। तो बाकी चॉइस आपकी है, आपको चॉइस बनानी है, एक चॉइस आप और बना सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की।